या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। शक्ति का रूप और हर दुख को हरने वाली माँ की स्थापना का दिन आ गया है। जी हाँ, 29 सितंबर से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रा क्यों मनाया जाता है? आइए आपको इसके पीछे छुपी एक छोटी सी कहानी बताते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने समुद्र किनारे सबसे पहले नवरात्रा की शुरुआत की थी। दरअसल रावण वध से पहले उन्होंने विधि पूर्वक 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया था। तभी से परंपरा स्वरूप 9 दिनों तक माता की विशेष पूजा की जाती है, तत्पश्चात रावण दहन होता है। ये तो हुई पुरानी परंपरा की बात। आइए जानते हैं इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और हर दिन किस देवी विशेष की पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रा की शुरुआत की, यानी कि स्थापना की। 29 सितंबर को यानी रविवार प्रतिपदा को पहला नवरात्रा शुरू होगा। घट स्थापना की बात करें तो उसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से 7:40 तक रहेगा। इसके बाद 11:48 से 12:35 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और खास तौर पर पीले परिधान पहने जाते हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन की बात करें तो इस बार 30 सितंबर को यानी कि सोमवार को दूसरा दिन मनाया जाएगा और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने जाने चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य हाथ में लिया जाता है वह जरूर से सफल होता है। वहीं नवरात्रा के तीसरे दिन की बात करें तो इस बार 1 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को तृतीया तिथि पड़ेगी और इस दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। साथ ही हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। बुधवार 2 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि रहेगी और इस दिन माँ कशमंडा की पूजा होगी और खास तौर पर नारंगी रंग के परिधान पहने जाएंगे। वहीं 3 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को पंचमी तिथि रहेगी और इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन इस पूजा के करने पर मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं और इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। 4 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को छठी तिथि रहेगी और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। 5 अक्टूबर यानी कि शनिवार को सप्तमी तिथि रहेगी और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विशेष रूप से नीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। 6 अक्टूबर यानी कि रविवार को अष्टमी का पूजन किया जाएगा। इस दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना होती है, साथ ही गुलाबी रंग के परिधान पहने जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि माँ गौरी को गुलाबी रंग खास तौर पर काफी पसंद है। साथ ही इस दिन कई लोग कन्या भोज भी करवाते हैं। 8 दिनों की विशेष पूजा अर्चना के बाद 7 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को नवमी की पूजा की जाएगी। इस दिन खास तौर पर माँ सिद्धात्री की पूजा होगी। साथ ही इस दिन विभिन्न पूजा अर्चना के बाद 9 कन्याओं को जिमाया जाता है। माना जाता है कि वह 9 कन्याएं देवी का रूप होती हैं और उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करना पर पूजा सफल होती है। आप सभी लोगों को चलता पुर्जा की ओर से नवरात्रा और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।